हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम बायनोमियल थ्योरम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, फाइंडिंग रिमाइंडर। ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट्स इस तरह से। सो पहले तुम एक हल्की सी चीज़ बताऊँ आपके रिमाइंडर से रिलेटेड, यूक्लिड लेमा करके आपने पढ़ी है ना। सिंपल, अगर मान लो मैं कोई भी इंटीजर ए है उसको बी से डिवाइड करूँ, यू नो देयर सम कोशेंट and some remainder, so we can write a as b times q plus r, okay? तो अपन b को क्या बोलते हैं, divisor, quotient, remainder and dividend, okay? So and this r is from 0 to b, okay? b से छोटा ही होगा, b के बराबर तो हो नहीं सकता, और ये हमेशा positive quantity है, ध्यान रखना। मतलब कि अगर मान लो मैं कोई इंटीजर पे लिखता हूँ 5k+3, इसका मतलब a को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और इसी चीज़ को अगर आपने ऐसे लिख दिया 5k-2, तो रिमाइंडर -2 तो बोल नहीं सकते। तो अपने पास क्या, यहाँ पे बहुत सारे 5 पड़े हुए हैं, एक 5 बोरो कर लो इससे, है ना। ये कितना हो गया +5-2, सो दिस थिंग बिकम्स 5m+3, तो अगेन रिमाइंडर कितना आ गया, 3। इस तरह से भी जा सकते हैं, ओके। एंड जब भी लास्ट डिजिट की बात आएगी, लास्ट डिजिट का मतलब आप किससे डिवीजन देख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2351, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2351 2350+1, लास्ट डिजिट 1 दिख रहा है। सो बेसिकली लास्ट डिजिट का मतलब रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड बाय 10, ओके। 2 डिजिट का मतलब रिमाइंडर वैन यू डिवाइड बाई 100, ओके। इस चीज़ को समझ लो, लास्ट डिजिट निकालो चाहे रिमाइंडर निकालो किसी पर्टिकुलर नंबर डिवाइड करने के बाद, तो लास्ट डिजिट में या लास्ट 2 डिजिट में तो बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि आप 10 या 100 से डिवीजन की बात कर रहे हो। फिर ये ध्यान रखना, बायनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे लगाने वाले अपन इसमें। तो जब भी मान लो किसी भी नंबर से आपको डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है, 5 से 10 से, तो जो भी मेरा नंबर है, जैसे कि अगर आपको n^m को डिवाइड करना है सम k से, ओके, सो आप n को कैसे एक्सप्रेस करोगे, ट्राई टू एक्सप्रेस n एज सम मल्टीपल ऑफ k प्लस q, एंड प्रिफरेबली ये q क्या करना अपने को +-1, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा मेरे को, अभी करके देखेंगे। क्या आपने 1+x^n का एक्सपेंशन पढ़ा है ना, ये क्या चलता है 1+, बाकी सब के अंदर x तो रहेगा ही रहेगा, है ना, nc1x nc2x2। सो मोर और लेस रिमाइंडर की बात ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब में तो x है ही सही। माइनस भी हुआ लेस x-1^n, तो बस इतना देखना कि जो n ओड है इवन, अगर n ओड है तो आपके पास लास्ट में -1 आएगा, और इवन हुआ तो ये +1 पे खत्म होगा, बाकी सब के अंदर x तो चलेगा ही चलेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं उस पर देखते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट कैसे पता करते हैं, ठीक है, और उस रिलेटेड एप्लीकेशन की भी चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि 102^5, ओके, लास्ट के 2 डिजिट पता करते हैं इसके अंदर। सो लास्ट के 2 डिजिट का मतलब अभी ऑलरेडी इधर को बना के दिए, 100+2^5, ओके। नंबर छोटा ही था तो सीधे सीधे एक्सपेंड कर सकते हो। अब इसमें देखो, जब इसमें बाइनोमियल लगाओगे, सो 5c0 100^5 एंड +++, लास्ट में जाओगे 5c1 100 × 2^4 +5c5 2^5। अब देखो, इससे पहले वाले में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके सब 100 के मल्टीपल हैं, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 100k+5c5 2^5, कितना हो गया मेरे पास 32। अब 100 का मल्टीपल है, लास्ट 2 जीरो तो चल ही रहे होंगे ना, और प्लस 32 करोगे तो ये क्या आ गया मेरे पास, यही तुम्हारे क्या लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट निकाले तो अपने नंबर कैसे करते हैं, 100 का मल्टीपल प्लस जो भी आएगा वही आपके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। और लास्ट का डिजिट अगर पता करना है तो यूनिट प्लेस के हायर पावर से पैटर्न बनता है, वो पहले से पढ़ते आ रहे हो आप, क्योंकि हायर पावर्स में 3 की हायर पावर में सब में एक पैटर्न बनता है,
जो चार के गैप के बाद रिपीट होने लगता है, जैसे 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 4, 3, 8, 4 पे जाओ 6, देखो ना 2 raised to power 1, 2, 2 पे किया तो लास्ट में 4, 3 पे किया तो लास्ट में 8, 4 पे किया तो लास्ट में 6, 16 आएगा ना। वापस 5 पे जाओ तो यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, तो वो उस तरह से देखा जा सकता है। 2 digit या 3 digits पे जाते हैं तब बाइनोमियल की एप्लीकेशन बढ़ जाती है। अब ऐसे एक सवाल देखो कि 17 raised to power 256, लास्ट के 2 digit बताने हैं आपको, ठीक है? तो अपना प्लान क्या है, लास्ट के 2 digit के लिए 100 का मल्टीप्लस प्लस माइनस को एक्सप्रेस करना है इसको। 17 की हायर पावर देखो, 17 की हायर पावर होती है अपने पास स्क्वायर होता है 289, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 289 raised to power 128, ये हो गया 290 minus 1 raised to power 128, ठीक है? अब जब इसको एक्सपैंड करोगे तो 290 की पावर 128 चलता रहेगा चलता रहेगा। उन सब में जब तक 290 का स्क्वायर है तब तक तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। 290 का स्क्वायर मतलब उसमें 10 का स्क्वायर पीछे, तो 2 जीरो तो चल ही रहे, बस एक टर्म लास्ट में आई कौन सी 128C127, जिसमें 290 की पावर सिर्फ एक ही है लास्ट में +1, बाकी सबके अंदर अपने पास 290 का स्क्वायर एटलीस्ट, तो पूरी पूरी टर्म 100 का मल्टीपल तो है ही सही। ओके, तो ये पूरी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, 100 का मल्टीपल -128C127 क्या होता है 128 into 290 +1, ठीक है? अब इसको भी देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए तो रिमाइंडर ही, अल्टीमेटली मेरे को 100K+ कुछ नंबर लेके आना है। तो हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे इसके अंदर इस नंबर को रिजोल्व करने में। 128 मैंने लिख दिया 120 + 8 into 290, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 100 का मल्टीपल दिख ही रहा है, ले देखे क्या बचा आपके पास 8 into 290। 8 को भी मैंने क्या लिख दिया 10 minus 2 into 290। ओके, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे फिर से 100 का मल्टीपल बन गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 290 का डबल 580 + 1, तो दैट इज 581। ओके, पीछे का प्लस वन चल ही रहा ना मैं साथ साथ, सो 581, इसको भी क्या लिख सकते हो 500 + 81, 100 का मल्टीपल और पीछे के नंबर्स भी सबके सब क्या है 100 के मल्टीपल। सो ओवरऑल आपने 17 raised to power 256 को क्या एक्सप्रेस कर दिया, 100 का मल्टीपल +81। तो यही क्या हो गया अपने लास्ट के 2 digit 81। ओके, लास्ट 1 digit या 2 digit निकालने का मतलब यही होता है, 10 से डिवीजन करके देख लो, ठीक है? और 2 digit चाहिए तो आप लास्ट के 2 टर्म पकड़ो, 3 digit चाहिए तो फिर एक और टर्म पकड़नी पड़ती, क्योंकि उसके आगे में जिसमें 290 का क्यूब तक है वहां तक तो 10 का क्यूब मतलब 1000 मल्टीपल है ही सही, ठीक है? तो इस तरह से लास्ट के 2 digit 1 digit निकाले जा सकते हैं, ठीक है? थोड़े सवाल लगाओ फिर हम उस पे रिमाइंडर से रिलेटेड और चीजें देखेंगे। चलिए, तो अब रिमाइंडर निकालने से बढ़ते आगे, पूछा जा रहा है 3 raised to power 200 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो ध्यान है अपने को ऑलरेडी कि हम क्या करते हैं, इस नंबर को 8 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, दिख भी रहा है। 3 raised to power 200 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर raised to power 100, 3 का स्क्वायर 9 raised to power 200, और 9 क्या हो गया 8 plus 1 raised to power, sorry 100 है यहाँ पे 100। अब बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे इसको 1 की बढ़ती पावर में ही करें तो सब में आगे 8 का मल्टीपल रहेगा, बस लास्ट में नहीं होगा, है ना? तो पूरा नंबर क्या हो गया 8K+1, समझ पा रहे मैंने क्या लिखा है? 8 + 1 मतलब बेसिकली x+1 raised to power n किया मैंने, तो एक्सप्रेस करोगे तो क्या आएगा NC0 x raised to power n ला 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 NCn-1 x + लास्ट में 1 आ जाएगा NCn 1 raised to power n, इसलिए अपन प्लस माइनस 1 में लेके आने की कोशिश करते हैं। अब इन सब में तो एक्स है ही सही ना, तो इसलिए इन सबको इकट्ठा क्या लिख दिया मैंने 8K, तो रिमाइंडर दिख रहा है आपको 1 आएगा, ठीक है? ऐसे ही और आसान सवाल देखिए, 5 raised to power 99 को 13 से डिवाइड करके लिखना है, ठीक है? अब 5 तो डायरेक्ट 13 की पावर 13 मल्टीपल प्लस माइनस कर नहीं सकते, तो 5 की हायर पावर्स देखो, 5 की हायर पावर होती है अपने पास स्क्वायर में जाओगे तो 25, और 25 को लिख सकते हैं अपन क्या
26 माइनस वन, 26 13 का मल्टीपल है ही सही, तो इवन पावर चाहिए मेरे को, तो मैंने क्या किया 5 raised to power 99 को लिख लिया, 5 into 5 raised to power 98 विच इज 5 into 5 square raised to power 49, ये 25, तो इसको क्या लिख लिया 26 minus 1 raised to power 49। अब पावर ओड है, ठीक है, तो ओड पावर है और यहाँ पे माइनस वन है, तो सारी पावर जब माइनस वन पर लगेगी तो लास्ट में माइनस वन ही दिखेगा ना, सिंपल x प्लस माइनस वन की पावर n का एक्सपांशन दिमाग में रखो, तो अंदर क्या चलेगा 26 की सारी टर्म्स होंगी, लास्ट में बस मेरे पास एक माइनस वन होगा, और 26 बेसिकली 13 का मल्टीपल ही है, ये क्या बन गया 13m-5, तो रिमाइंडर अपने पता है माइनस फाइव तो बोल नहीं सकते, तो क्या करोगे यहाँ से एक 13 बोरो कर लो, तो ये क्या बन गया 13n+13-5, ठीक है, एक 13 निकाल लिया उसमें से, क्या बचा अपने पास लास्ट में 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 5 raised to power 99 को 13 से डिवाइड करो तो कितना आएगा रिमाइंडर 8, है ना, जादू जैसी चीज़ है बिल्कुल, बिना डिवीजन के आपने सिंपल बायनोमियल अप्लाई किया और आंसर बता दिया, ठीक है। और देखो दो तीन सवाल और देखो तो अलग अलग तरह के पैटर्न पता लगेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 27 raised to power 40 को मेरे को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हो, दोनों तरह के अप्रोच है, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ तो बन गया 3 raised to power 120, ठीक है, अब इसको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है, सो मैं इसको 3 into 12 क्या होता अपना 3 into 4, ठीक है, और 4 मेरे को पता है 3+1 होता है, ठीक है, या 3 को लिख सकता हूँ 4-1, तो थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया, 3 into 3 raised to power 119, ये बन गया 3 into 4-1 raised to power 119, पावर ओड है, खुल के क्या बनेगा, सब में 4 की पावर्स होंगी बस लास्ट में नहीं होंगी जो कि माइनस वन निकलेगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास 12k-3, तो एक 12 बोरो कर दो, 12m 12-3 कितना हो गया मेरे पास 9, तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि जब भी बड़ा नंबर होता है ना ऊपर डिवाइड कर रहे 12 से ऊपर 27 की पावर समथिंग है, तो 27 को ही ब्रेक कर दो इस तरह से 24+3, ठीक है, तो 24+3 raised to power 40 है ना, तो ये क्या हुआ, इसको क्या लिख सकता हूँ 24k+3 raised to power 40, बायनोमियल से एक्सपेंड करोगे लास्ट टाइम 24 नहीं होगा, बाकी समय 24 की कोई ना कोई पावर दोगी, मतलब 12 का मल्टीपल तो है ही सही, तो जब रिमाइंडर निकालने की बात आएगी तो इसको तो कोई देखने का मतलब नहीं है, तो 12 से पूरा पूरा डिविजिबल है ही सही, इसको देखना है बस, तो अगेन इसमें भी अपने उसी तरह से चलना पड़ेगा जैसे इधर चले, ठीक है, वही 3 into 4-1 raised to power 39, तो सिचुएशन वैसे ही बनेगी, ठीक है, तो इस तरह से भी सोचना होता है। अब जो मैंने बात कही कि बड़े नंबर्स आ जाए तो कैसे ब्रेक करते हैं, उसी पे एक सिंपल सा सवाल देखो, 1690 raised to power 2608 plus 2608 raised to power 1690, इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ओके, तो अलग अलग देखते हैं, इस वाले पार्ट को अलग ऑब्जर्व करते हैं, इस वाले पार्ट को अलग ऑब्जर्व करते हैं, सो इफ आई से 1690, जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले तो तुम इसको ही 1690 बाई 7 के मल्टीपल प्लस कुछ तोड़ने की कोशिश करो, सो 1690 कैन बी रिटन एज 7 into 7 से डिवाइड किया कितना आ गया मेरे पास 2 4 1 plus 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप 2 29 4 फिर 10 7 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो अंदर की चीज़ ये है, तो अगर इसके ऊपर हायर पावर चढ़ाते हो तुम, ये तुमने जो भी पावर चढ़ा रखी 2608 2608, अब इसको एक्सपेंड करोगे ये जो 7 के मल्टीपल वाली टर्म है ये सब में आएगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म में,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7k+3^2608। ठीक है, अब 3 की हायर पावर्स में ढूंढो कुछ ऐसी चीज जिसको हम 7 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 लिख सकें। तो 3 का क्यूब देखा अपन ने क्या होता है, 27, जिसको मैं 28 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और 21 7 का मल्टीपल होता है। तो क्यूब का मतलब ये 8+6 14+2, तो एक एक्स्ट्रा पावर है। तो मैंने इसको 1 3 बाहर निकाल लिया, 3^4 कितना कर दिया, 2607। ठीक है, तो ये 3 के मल्टीपल में तोड़ी जा सकती है। तो कितना हो गया मेरे पास, 27 3 का क्यूब, ऊपर कितना हो गया, 869। तो 3 × इसको लिख दिया 28 - 1, 869। पावर देखो ओड है, ओड है ना, तो लास्ट मेरे पास सारी टर्म खुलेंगी, वो सब की सब 28 का मल्टीपल होंगी, लास्ट में सारी पावर जब -1 पे चढ़ाओगे तो -1 आ जाएगा। तो ले देखे पूरा सामान क्या हो गया, 28 × 3, ये 7 का ही मल्टीपल है, -3, कोई दिक्कत, 7 m - 3 आ गया। सो मोर और लेस यू कैन से दैट 1690 2608 इज बेसिकली 7 m - 3। ठीक है, इसको भी डील करेंगे क्योंकि ये पार्ट और बाकी भी मेरे पास, उसको भी कर लेते खत्म। वैसे तो इंडिविजुअली अगर इसी में देखा जाए तो आपको पता है रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ से एक 7 बोरो कर लो, 7 - 3 4 रिमाइंडर हो जाता है। तो सेकंड पार्ट बाकी है, उसको भी देखते हैं। 1608 ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली फॉर्म है, एटलीस्ट जेई मेन का अगर जहाँ तक सवाल है। 1690, सो 2608 को पहले मैंने 7 का मल्टीपल लिखा, सो 7 × कितना हो गया मेरे पास, 3 ज़ा 5, 7 ज़ा 1, 2 ज़ा 14 + 4, ओके 1690। अगेन एक्सपेंड करोगे तो सब में 7 की पावर्स आएंगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म, सो आई कैन राइट डायरेक्टली राइट इट एज 7k+4^1690। और 4 की पावर्स में देखो जिसको 7 के मल्टीपल प्लस माइनस में लिखा जा सके, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है मेरे को 4 का क्यूब होता है 64, है ना, और 64 होता है 63+1। नंबर थ्योरी का थोड़ा सा एप्लीकेशन, नंबर का साइंस अच्छा रखोगे। अगेन ये भी क्या मेरे पास एक पावर एक्स्ट्रा है, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक 4 बाहर निकाल लिया, ऊपर हो गया 4^1689। ठीक है, देख लो 9 और 8 17 और 6 23 और 1 24, 3 का मल्टीपल आ गया। मतलब अब मैं अंदर वाली चीज़ को 4 का क्यूब लिख दूँ, ऊपर क्या हो गया, 3 से डिवाइड किया 5 6 3, और ये क्या हो गया 4 63+1^5 63। एक्सपेंड करोगे तो ये 7 का मल्टीपल आई सही, बाइनोमियल्स एक्सपेंड करो सब में 63 होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म, तो ये पूरा क्या हो गया 63 m+1। सो ओवरऑल ये 7 का मल्टीपल प्लस 4 ऊपर से भी 7 के चल ही रहा है, सो आई कैन से दिस एंटायर थिंग इज 7p+4। ओके, सो आधा हिस्सा क्या आया था मेरे पास एक्सप्रेशन का, 7 m - 3, दूसरा आ गया 7p+4। दोनों को ऐड करोगे है ना, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन गया, द एंटायर वैल्यू इज 7 × सम ओवरऑल क्यूब बोल देता हूँ, p+m को इकट्ठा को इंटीजर बोल दो क्यूब, और 4 - 3 मेरे पास हो गया 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट बड़े नंबर है तो उसको क्या करोगे, मल्टीपल में ब्रेक कर दो और बाइनोमियल सोचते जाओ, x+y की पावर n, सो y की बढ़ती हुई पावर लिख रहे हैं तो लास्ट में वाली टर्म को छोड़ के सब में तो x है ही, तो उसको पूरा ड्रॉप कर दो क्योंकि वो तो 7 मल्टीपल आई से। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इसको तो मास्टर कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है ना, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे हम। चलिए एक सवाल और देखो, 3 × अब इसमें पैटर्न देखना कैसे चल रहा है, 3 × 7^22 +2 × 10^22 -44। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को 18 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना आपको कितना आएगा। ओके, सो पैटर्न देखो, 18 की बात हो रही है ना, तो इस 7 के आगे 3 है,
टेन के आगे टू है, सेवन, सेवन को अगर मैं सिक्स प्लस वन लिख दूं और टेन को लिख दूं नाइन प्लस वन, देख रहे हो, सिक्स थ्री जा एटीन, नाइन टू जा एटीन, तो उस तरह की चीजें नजर आ रही है प्लेट में। सो थ्री इंटू सिक्स प्लस वन रेस्ट पावर ट्वेंटी टू, टू नाइन प्लस वन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी फोर पड़ा रहने दो बाद में। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे तो मेरे को पता है सब में सिक्स दिखेगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। ओके अगेन सेम सिचुएशन, यहाँ पे सब में नाइन दिखेगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म विच इज प्लस वन। तो ये क्या हुआ, सिक्स थ्री जो एटीन, नाइन टू जो एटीन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एटीन एम प्लस थ्री प्लस टू एंड माइनस का फोर्टी फोर। ओके सो दिस थिंग इज 18m प्लस 5 हो गया, माइनस 44 का मतलब ये हो गया माइनस का 39। ओके और माइनस 39 लिख दो माइनस 36 माइनस 3, तो इसका मतलब देखो 18 के मल्टीपल में चल रहा है, ये पूरी चीज क्या हो गई 18k माइनस 3, 18 का मल्टीपल माइनस 3, अगेन माइनस 3 रिमाइंडर बोलोगे नहीं तो एक 18 यहाँ से बोरो कर लो, तो 18 माइनस 3 मेरे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा 15। ओके ऐसे प्रोसीड करना है, एक कॉन्जुगेट टर्म्स का और पेयर अप करके देखते हैं कैसे चीजें बनाई जा सकती हैं। ये है क्वेश्चन, 15 रेज टू पावर 23 प्लस 23 रेज टू पावर 23 को 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो थोड़ा सा नंबर्स पे गौर करो, 15 23 19, सो देखे ध्यान से, 15 क्या है 19 माइनस 4 रेस्ट टू पावर 23, कॉन्जुगेट पेयर की बात की थी हमने फर्स्ट लेक्चर में, ये 19 प्लस 4 रेस्ट टू पावर 23, दिख रहा है, x माइनस वाई और x प्लस वाई का एक्सपेंशन जब ऐड करते हैं तो अपने को ट्वाइस ऑफ इवन टर्म्स मिलती हैं, मतलब 23 30 19 रेस्ट टू पावर 23, चलते रहोगे लास्ट में इवन आर का टर्म क्या आएगा मेरे पास 23 22 इंटू 19 4 रेस्ट टू पावर 22। ओके बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, सो देख पा रहे हो सबके सब में 19 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो एंटायर नंबर है ये 19 के टाइप की है, तो ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर कितना आएगा अगर डिवाइड किया जाएगा इस नंबर को 19 से, तो जीरो ही आने वाला है, आसान है। ठीक है ऐसा ही क्यों पैटर्न देखो, 7 रेज टू पावर 2022 प्लस 3 रेज टू पावर 2022 को 5 से डिवाइड करना आपको, ठीक है इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करके अगेन रिमाइंडर बताना क्या आएगा, 735, अगेन पैटर्न दिख रहा है आपको साफ, 5 प्लस 2 रेज टू पावर 2022 5 माइनस 2 रेज टू पावर 2022, अगेन x प्लस वाई x माइनस वाई का एक्सपेंशन आप ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ All in even indices, तो सब में देखो आपको 5 दिखेगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म, वो क्या होगी 2 रेज टू पावर, सारी पावर जब 2 पे चली जाएगी, इवन है ना पावर, तो ये वाली टर्म भी आएगी, ऊपर नहीं ली थी अपन ने क्योंकि पावर क्या थी वो ओड थी, तो अपन ने सिर्फ इवन पावर से कलेक्ट करनी थी, तो 4 की पावर 22 पे खत्म हो गया था, तो 19 था ही सब में, यहाँ पे पावर इवन है तो यहाँ तक जाएगा मामला, और ये आगे के सब में 5 तो है ही है, तो मैं इस पूरे चीज को क्या लिख सकता हूँ 5m 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2022, तो 2 रेज टू पावर 2022 को क्या लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर 1011, क्योंकि 4 को तुम 5 माइनस 1 लिख सकते हो, 5 माइनस 1 1011, पावर ओड है, क्या पावर ओड है, तो लास्ट में जो सारी पावर जब इस पे जाएगी तो माइनस 1 ही बचेगा ना, अगेन ये भी क्या हो गया 5k माइनस 1, सो 5m ट्वाइस ऑफ 5k माइनस 1, तो पूरी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 5p माइनस 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई माइनस 2 तो बोलना नहीं ना, 5 बोरो करो यहाँ से 5 माइनस 2 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है इस तरह से रिमाइंडर निकालने की कहानी सोल्व की जाती है, या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट लास्ट 1 डिजिट भी देखा जा सकता है, मोर लेस घूम रहा किसके पीछे है जिससे रिमाइंडर निकालना है, नंबर को उसका मल्टीपल प्लस माइनस 1 तक जाने की कोशिश करो, अपना आप बाइनोमियल आपको रिमाइंडर निकाल के दे देगी। ओके तो कुछ सवाल लगा लो इस पे, ऑल द बेस्ट।